दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित जरा याद करो कुर्बानी मुख्य कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय में चौरी चौरा स्टडी सेंटर खोलने की घोषणा की। इस दौरान विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि स्टडी सेंटर स्थापित करने के लिए 2.5 करोड़ का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया है। संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि स्टडी सेंटर के अंतर्गत 4 फेलोशिप भी विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। स्टडी चेयर के माध्यम से जो चीज़ें इतिहास में दर्ज नहीं हो सकी हैं, ट्रायल कैसे चला, किन किन पर चला, उन्हें रेखांकित करने के साथ ही उनकी महत्ता के बारे में पूरी दुनिया को बताया जाएगा। इसके अंतर्गत डेलीगेसी के बगल में चौरी चौरा घटना से संबंधित गैलरी, म्यूजियम और लाइब्रेरी का निर्माण होगा, जहां चौरी चौरा की घटना के वीर सपूतों की शहादत से जुड़ी चीज़ों को संग्रहित किया जाएगा। साथ ही कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि इसके साथ ही वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा भी लगभग तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना गोरखपुर से जुड़ी है, इसलिए DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय को शताब्दी समारोह में आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले साल भर के कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए प्रोफेसर सिंह ने शिक्षकों और विद्यार्थियों से शताब्दी समारोह के कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देने का आह्वान किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत नोडल अधिकारी प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी और आभार ज्ञापन अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह ने किया। वही कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शैलेश सिंह ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, पावन स्वर्ग सुंदर परम पावन सकल विद्या केंद्र तप गूंजता मधुबान गूंजता मधुबान। राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रसारित किया गया है। आप उनके इस लेख के माध्यम से ये जो एक वर्ष होने वाले कार्यक्रम है उनको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जलियांवाला जो घटना थी और चौरी चौरा घटना, इन दोनों का एक आंतरिक संबंध है। इस आंतरिक संबंध को लेकर भी आपकी एक किताब जल्द ही हम सबके बीच प्रकाशित होने वाली है। और ये जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को हम उनके पास उस किताब के माध्यम से जान सकेंगे, देख सकेंगे। किसी भी सुधारे में 2019 नवंबर में फिर चौरी चौरा घटना में जो शहीद हुए थे उनके परिवारजनों को किसी भी सुधारे में किसी मंच के माध्यम से प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी के संयोजन में उनको उनका अभिनंदन किया गया था। तो निरंतर आप इस तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं और इस कार्यक्रम के पूरे वर्ष भर के लिए आदरणीय हमारे माननीय कुलपति जी ने आपको नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और आपके निर्देशन में एक वर्ष इस विश्वविद्यालय के माध्यम से कार्यक्रम होने वाले हैं। आपका भी हार्दिक बंधन, आपका स्वागत। आज हम 100 वर्षों के पश्चात उन शहीदों के नमन के लिए एकत्रित हुए हैं जिन शहीदों को इतिहास के पन्नों से विस्मृत कर दिया गया था, या अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में कहूं तो अनरूली मॉक का नाम दिया गया था। विश्वविद्यालय का ये वही मंच है जहां वर्ष 2019 में पहली बार चौरी चौरा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को, शहीदों के परिवारों को इसी मंच पर आग्रहपूर्वक आदरपूर्वक आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। तत्पश्चात चौरी चौरा के इतिहास के ऊपर जो तमाम परतें जमी हुई थी उन परतों को हटाने के लिए वाचिक इतिहास की परंपरा को अपनाते हुए उनके साथ 3 घंटे की लंबी वार्तालाप चली और तत्पश्चात एक नया चौरी चौरा उभर करके सामने आने शुरू हुआ जो आज हम सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे महान शहीदों की स्मृति में और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज 4 फरवरी से कार्यक्रमों की ये जो कड़ी शुरू हुई है ये 4 फरवरी 1922 तक चलेगी।
जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कुलपति जी द्वारा दी जाएगी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए धन्यवाद। हम लोग के बहुत ही छोटे समय के अंदर उन्होंने आमंत्रित किया और उन्होंने सहस अपनी स्वीकृति प्रदान की और हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने साथ अर्जित व्याख्यान से हम लोगों को लाभ। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सर से भी बहुत ही साठ रुपीज पर इस कार्यक्रम के लिए निवेदन किया गया था, आप तुरंत तैयार हुए और सर आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर ऑनलाइन ही सही लेकिन आप हमारे बीच आए और अपनी बात से हम लोगों को लाभान्वित किया, हमारे छात्रों को लाभान्वित किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। हमारे नोडल अफसर हिमांशु चतुर्वेदी जी जो कि अथक प्रयास करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक ले आए हैं, हम लोगों ने उनका सहयोग किया लेकिन सारा जो प्रयास था वो उन्हीं का था और जिसके कारण वो भी उनका भी मैं आभार ज्ञापन को औपचारिक रूप से मैं करना चाहता हूँ कि आपने बहुत प्रयास किया जिससे यह कार्यक्रम जो है सफल हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे साल इस तरह से कार्यक्रम हमारे जो है वो अच्छी तरह से संपादित होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने सभी विभागाध्यक्ष, सभी संकाय अध्यक्ष, अधिकारीगण, अपने शिक्षक बंधुओं का, अपने छात्र और छात्राओं का, कर्मचारी बंधुओं का, सबके प्रति हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं और उम्मीद भी है, हमारा पूरा अधिकार है कि आप सभी लोग जब भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर संपादन करने की चेष्टा करेंगे या जो हमारा कमीशन ने जो बताया टाइमटेबल हमने जारी किया है उसके अनुसार जो कार्यक्रम हमारे चलेंगे उसमें आप सबकी सहभागिता हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होगी, आपके सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक होंगे जिससे इस जन क्रांति की प्रेरणा को हम कभी भूल ना सके और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी पीछे ना हटे। इसी के साथ मैं आपका एक बार फिर आह्वान करता हूँ आप हमारे आगे आने वाले सभी कार्यक्रमों में भी अपना इसी तरह से आशीर्वचन हमें प्रदान करते रहेंगे। इसी आशा के साथ एक बार मैं पुनः सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत के शताब्दी दिवस पे यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय तो कर ही रहा है लेकिन ये सरकार की मंशा के अनुरूप ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। सरकार ने 5 चरण में जैसा आपने सुना इस प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, उसके 4 चरण हम लोग ने पूरे कर लिए हैं, 5वां चरण दीपक जलाकर शाम को पूरा किया जाएगा। पहला चरण में हम लोग ने रैली निकाली और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं अध्यापक रैली में पार्टिसिपेट किए, वंदे मातरम के नारे लगाए। उसके बाद दूसरे चरण में हम लोग ने पतली की हम चौरी चौरा से सीख लेते हुए अच्छे नागरिक बनेंगे। उसके बाद तीसरे चरण में जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भाषण था उसको सब लोग ने एकत्रित होकर हम लोग ने सुना और चौथे चरण में हमने एक कार्यक्रम आयोजन किया जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे। अब 5वें चरण में शाम को हम लोग फिर एकत्रित होंगे, विश्वविद्यालय के अपने कार्यक्रम हैं जिनकी घोषणा की गई है जिसमें हम लोग एक गैलरी बनाने की बात कर रहे हैं, एक स्तंभ लगाने की बात कर रहे हैं और कुछ फेलोशिप स्टार्ट करेंगे और एक स्टडी सेंटर की भी स्थापना करेंगे। एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है,
कुछ सरकार से भी उम्मीद है, कुछ चीज़ें विश्वविद्यालय अपने से भी करेगा।